जनरल करेक्टरिस्टिक, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हैबिटार देखेंगे। क्या देखेंगे? हैबिटार। एंजियोस्पर्म का क्या हैबिटार है? एनजियो स्पर्म आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपना नोट्स बना लीजिएगा। ए फ्यू स्पीसीज आर एक्वाटिक। जनरली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज कैसी होती हैं? एक्वाटिक होती हैं, यानी जलीय। टेरेस्ट्रियल मीन्स हो जाएगा स्थलीय, ठीक है। एक्वाटिक में थैलेसिया, जोस्टेरा, ये दो एग्जांपल दिए गए हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अदर फॉर्म ऑफ हैबिटाट इंक्लूड, और भी फ्रेश फ्रेश टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक के अलावा क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे वॉल्फिया लेमना, ठीक है। ये सबसे छोटा प्लांट है एंजियोस्पर्म का। मीजोफाइट, ठीक है, जो जल स्थल दोनों, लगभग दोनों की आवश्यकता होती है, उसमें आ जाएगा सनफ्लावर, मलबेरी आ जाएगा। फिर आगे जीरोफिटिक में, जीरोफिटिक में आ जाएगा अलाइजिंग का पैरिस, ये पाया जाएगा। सकुलेंट प्लांट में आ जाइए यूफोर्बिया, अपुंसिया, ये हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं फिर हैबिट। हैबिट क्या है? द हैबिट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाई इट्स हाइट, ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ स्टेम, ठीक है। किस बेस पे है हैबिट? क्या है हैबिट? के आधार पे हमने पहले क्लासिफिकेशन में ही बता दिया था कि हैबिट के आधार पे प्लांट को लगभग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हर्ब्स, दूसरा श्रब्स, तीसरा ट्रीज। हर्ब में ऐसे प्लांट आएंगे जिनमें लकड़ी नहीं पाई जाती है, जैसे वीट हो गया, ग्रासेस हो गई। उसके बाद श्रब ऐसे प्लांट आ जाएंगे जिनमें क्या पाई जाती है, लकड़ी पाई जाएगी, लेकिन एक ही नोड से ढेर सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, उसे हम इसमें रखे हैं श्रब में, जैसे जैस्मिन, गुड़हल यानी हिबिस्कस। अगला तीसरा हो जाएगा ट्री। ट्री में ऐसे प्लांट आएंगे जो टॉलेस्ट होंगे, वुडी होंगे, ठीक है, जैसे डलबर्जिया, डलबर्जिया सिस्टो इसको बोलते हैं, बॉटनिकल नेम इसका है, ठीक है। आगे आगे टर्म में अब हम मॉर्फोलॉजी पे बात करते हैं। एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या है? चलिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी द डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकली एंजियोस्पर्म बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू टू मेन सिस्टम। बाह्य रूप से यानी देखने पर, बाह्य रूप से देखने पर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, साइज दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसी भी प्लांट के बाह्य रूप से हम जो भी देखते हैं, उसकी हाइट, साइज, लेंथ जो भी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जनरली इसकी मॉर्फोलॉजी हम कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, दो कैटेगरी में। कितने? दो कैटेगरी में। पहला हो जाएगा रूट सिस्टम और दूसरा हो जाएगा शूट सिस्टम। चलिए आगे हम देखते हैं रूट सिस्टम क्या है। रूट सिस्टम, रूट मोस्टली थ्री टाइप की होती है एंजियोस्पर्म में। पहला टैप रूट, दूसरा फाइबरस रूट, तीसरा एडवेंटिटियस रूट। तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन से? टैप रूट, दूसरा फाइबरस रूट, तीसरा एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। अगला हो जाएगा वाइनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो वाइनेशन होता है लीफ में, वो कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, पैरेलल वाइनेशन, दूसरा रेटिकुलेट वाइनेशन। यानी ये लीफ है, अगर इसमें जाल सदृश पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट बोलेंगे। और पैरेलल क्या हो जाएगा, जैसे मोनोकॉट में जनरली पैरेलल वाइनेशन पाया जाता है, ऐसे, जिसकी वजह से पत्तियां सीधे फट जाती हैं, और रेटिकुलेट की वजह से पत्ती सीधा कभी भी नहीं काट सकते आप, हाथ से आप तोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। ये है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ये मेल एंड फीमेल गेमेट के प्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, कौन? एंजियोस्पर्म, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द मेल गेमेट
टू द फीमेल ओव्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इसमें मेल गैमेट का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? पॉलिनेशन के माध्यम से होता है। कहाँ तक? ओव्यूल तक जाने में, जो कि फीमेल गैमेट है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड सीडलेस वैस्कुलर प्लांट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म हैव ए लार्जर फोटोसिंथेटिक एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों की जो स्पोरोफाइट होती है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है। ठीक है, आगे। हाउएवर द ओव्यूल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इंटू फ्रूट इन साइड द ओवरी। यही कारण है कि ओवरी के अंदर ही फ्रूट पाया जाता है। ठीक है, इन साइड द ओवरीज। आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर। ए टिपिकल फ्लावर हैज फोर मेन पार्ट और वार वर्ल्ड विच इंक्लूड। फ्लावर के मोस्टली चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइने। चलिए अब सबकी डिफिनेशन देख लेते हैं। कैलिक्स क्या है? द कैलिक्स इज कंपोज ऑफ ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर नोन एज सेपल्स। कैलिक्स को अल्टरनेटली क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, वन सेपल, टू सेपल ऐसे बोलते हैं। प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज द आउटर मोस्ट वॉल। ये बाहरी जो फ्लावर होता है उसके बाहरी साइड पे होता है। कहाँ पे होता है? बाहरी साइड पे होता है, ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे होता है, और क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा कोरोला, कोरोला इज द कंप्राइज्ड ऑफ द पेटल्स विच आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। कैलिक्स कोरोला जो होता है जनरली क्या होता है? कलरफुल होता है, और क्या होता है इसको अल्टरनेटिवली हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर। इसका फंक्शन क्या होता है? इंसेक्ट को